हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है, चलिए आप खुद क्वेश्चंस को देखकर पता लगा सकते हैं। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयत वाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। ऑप्शन आपके सामने दिए गए और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं ताकि आपका साथ में रिविजन भी प्रॉपर हो सके। याद रखना है, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है, तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, थॉमस मुनरो। इस प्रश्न को रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। फटाफट से आंसर करेंगे, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी। याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात करें लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। इसके बाद 1526 ईस्वी में, याद रखना है, इब्राहिम लोदी के बाद 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद मुगल वंश की नींव पड़ी थी, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। कतई जहर प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो इसका जो सही जवाब है, अगर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, नसीरुद्दीन, याद रखना है। और ऑप्शन बी में कुतुबुद्दीन ऐबक है, चलिए इनके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, इसकी मृत्यु जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, याद रखना है। और इन्होंने गुलाम वंश की भी स्थापना की थी, सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था। फटाफट से आंसर करेंगे, जोधाबाई महल, पंचमहल, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना है इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, इबादत खाना में, याद रखना है। और ध्यान रखना है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, तो कब, 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में, दोनों को डेट याद रखना है, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया और 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक बुक है, याद रखना है, अकबर का एक बुक है आईने अकबरी, जिसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा, जी बिल्कुल, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। कतई जहर प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी आंसर के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कनाडा से, याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, संघीय प्रणाली, याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। आपको आंसर करने हैं किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आदि शंकराचार्य द्वारा। अशोक द्वारा क्या हुआ था, तो याद रखना है, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, कहां पर, तो पाटलिपुत्र में, याद रखना है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। फटाफट से आंसर करेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड लिए गए हैं। चलिए, और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। फटाफट से आंसर करेंगे, और सभी लोग दबा के इस सेशन को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखना है, ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे व्यक्ति कौन थे। फटाफट से आंसर करेंगे, पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मॉन्टेग्यू, याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है,
सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी, किसने बनाई थी? आंसर करेंगे इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने। तो इसका जो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के साथ चला जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? फटाफट से आंसर करेंगे, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो याद रखना है मलिक काफूर को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? फटाफट से आंसर करेंगे, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो ध्यान में रखना इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विश्व बंधुत्व। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल वंश से संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार, राठौर, चौहान या परमार? तो इसका जो सही जवाब है प्रतिहार हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी में लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तो इनको याद रखना है, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में एक रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे, चलिए तो याद रखना इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जबती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है एक तिहाई हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सारे प्रश्नों को सही से पढ़िए, सारे ऑप्शन को सही से पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया है? तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, याद रखना है, ध्यान रखिएगा, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को भोगने के सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको सौंपी गई है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से याद करेंगे और आंसर करेंगे। तो याद रखना है, मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए के देश से लिया गया है, यूएसए देश से लिया गया है, याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? ए एंड बी दोनों को, यानी कि उच्च न्यायालय को भी और उच्चतम न्यायालय को, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? फटाफट से आंसर करेंगे, चलिए तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था, याद रखना है। और इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, याद रखना है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी, इसको भी ध्यान में रखना है, कौन सी समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं? फटाफट से आंसर करेंगे, भाग 2, भाग 1, भाग 4 या भाग 3 में? तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा? भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, फटाफट आंसर करेंगे। तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1985 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52वां, याद रखना है, 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्रीट के नाम से जानता है, यानी कि कोरोना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है अल्जीरिया हो जाएगा, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवांडा की राजधानी क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे, रवांडा की राजधानी क्या है? तो याद रखना है, रवांडा की राजधानी किगाली है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत कोयला है, फटाफट से आंसर करेंगे, यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा या बर्फ? श्वेत कोयला क्या है? तो याद रखना है, श्वेत कोयला है, जल विद्युत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पृथ्वी से ऊपर के चार क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? फटाफट से आंसर करेंगे। सारे ऑप्शन आपको इंग्लिश में दिए गए, यानी कि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, सबसे कम ऊंचाई किसकी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी के साथ रहेगा, ट्रोपोस्फीयर। याद रखना है ट्रोपोस्फीयर, इसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं, तो समताप मंडल। थर्मोस्फीयर को क्या कहते हैं, तो आयन मंडल। और मेसोस्फीयर को मध्य मंडल। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है, सभी के हिंदी को अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है, तो याद रखना इसका जो सही जवाब है ब्रिटेन से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका जो सही जवाब है बी के साथ चला जाएगा, राज्यसभा कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।